कराची में ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों के चारे की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन शहरी भी क्या करें, वही महंगा चारा खरीदने पर मजबूर हैं। खरीदारों का कहना है कि पूरी दुनिया में खास मौकों पर अशिया की कीमतें कम कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। जैसे जैसे बकरीद करीब आती जाएगी, रोज दो दो पाँच पाँच रुपए रेट बढ़ता ही जाएगा। अब लेना है, मजबूरी है, लेते रहेंगे। चारा बहुत महंगे से महंगा हो रहा है, क्योंकि दिन करीब है, एक दो दिन रह गए। दुकानदारों का कहना है कि हमें आगे से सामान महंगा मिलता है, यही वजह है कि ना चाहते हुए भी महंगे दामों चारा बेचना पड़ता है, और जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते हैं कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। आवाम बोलती है कि यार ये चीज क्यों महंगे कर रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, आगे से महंगी आ रही है। चारे की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान बेचारे आवाम कहते हैं मवेशियों को क्या खिलाएं, क्योंकि चारे की कीमतों को भी पड़ लग चुके हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही जहां बहुत से लोगों को आर्थिक कारोबार मिल जाता है, वहीं कुर्बानी के जानवरों का चारा बेचने वालों की भी चांदी हो जाती है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ फरवाली 24 न्यूज़ कराची।